कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनका निधन उस वक्त हुआ जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। पुनीत की उम्र मात्र 46 साल थी। उनके निधन से पूरे कर्नाटक और दक्षिण भारतीय सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कर्नाटक की सरकार को हालातों को काबू करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई खुद अस्पताल पहुंचे हैं। इस खबर के बाद कर्नाटक में सभी थिएटरों को बंद किया जा रहा है। पुनीत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू की थी। उनकी पब्लिसिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पुनीत सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक गायक भी थे। उनका जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। उन्होंने साल 2002 में आई फिल्म अप्पू से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वो 29 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। पुनीत दक्षिण भारतीय फिल्म का एक मशहूर नाम थे। पुनीत के पिता राजकुमार इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। उन्हें कन्नड़ सिनेमा का आइकन भी माना जाता है। वो पहले ऐसे कन्नड़ इंडस्ट्री के अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। चंदन तस्कर वीरप्पन ने उनके पिता राजकुमार का साल 2000 में अपहरण कर लिया था। पुनीत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पुनीत कन्नड़ सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक थे।